बहुत ही सत्कार योग्य प्यारे विद्यार्थियों, आप सब का स्वागत। आप गल कर रहे सी मौर्या साम्राज की, शुरू तो आदिकाल तो लैके अपना इतिहास है जोड़ा शुरू किया सिंध घाटी की सभ्यता, उस तो बाद ऋग्वैदिक काल, उस तो बाद उत्तर वैदिक काल, उस तो बाद जैन धर्म, महावीर जैन बारे विचार किए थे, उस तो बाद महात्मा बुद्ध बारे विचार किए थे, महात्मा बुद्ध दी सिक्ख्यावां बारे, उस तो बाद मौर्या साम्राज किस तरह स्थापित होया, चंद्रगुप्त मौर्या ने किस तरह मगध के राजे धनानंद नूं हरा के जिहड़ा मौर्या साम्राज की स्थापना की सी, ते किस तरह उन्हें अगे साम्राज नूं मौर्या दे नूं स्थापित किया। तां चंद्रगुप्त मौर्या की मौत तो बाद 298 दे ईस्वी दे विच उहदा बेटा बिंदुसर जिहड़ा गद्दी ते बैठा, बिंदुसर थोड़ा समा गद्दी ते रहा, ते ज़्यादा इतिहास जिहड़ा बिंदुसर बारे सानू नहीं मिलदा, इस करके थोड़ा जिहा इतिहास दे विच सानू इह समस्या जिहड़ी आउंदी है। बिंदुसर 298 ईस्वी पूर्व तो लैके 273 ईस्वी पूर्व तक गद्दी ते रहा, उस तो बाद उहदा बेटा महान सम्राट अशोक वो गद्दी ते बैठा, उसने लंबा समा राज कीता, ते मौर्या साम्राज दीआं हद्दां नाल होर विस्तार कीता, ते मौर्या साम्राज नूं सिखर ते लैके गया। पर उस तो बाद उसने लड़ाइयां झगड़े कलिंगा दी लड़ाई तो बाद बंद कर दित्ते सी, ते जिस करके यूनानियां दे हमलिआं ने उत्तर पछम सीमा राहीं इधर पहुँचे, ते हौली हौली मौर्या साम्राज दा जिहड़ा खात्मा कर दित्ता सी। उहदे बारे आपां विचार करांगे, अशोक सम्राट अशोक महान बारे, अज भी इतिहास दे विच उहदा नाम एक चमकदे सितारे वांग अशोक दा हैगा। तां किस तरह उहने मौर्या साम्राज दा विस्तार कीता, किस तरह उहने बुद्ध धर्म नूं अपनाया, किस तरह उहने आप दा धर्म स्थापित कीता, किवें कलिंगा दी लड़ाई तो बाद अहिंसा दा रूप अख्तियार कर लिया, ते अहिंसा दे तौर ते उहने लड़ाई झगड़े जिहड़े बंद कर दित्ते सी, ते ओ आपां विचार है जिहड़ा करांगे। जन्म ते माता पिता, सब तो पहला अशोक दे बचपन बारे, अशोक दे शुरुआत बारे जानदे, जीवन बारे जानदे, अशोक सम्राट बारे। जन्म ते माता पिता, जिहड़ा जन्म है सानू पुराना इतिहास ज़्यादा होण करके इस करके सानू उहदियां पूरियां तिथियां जिहड़ियां पूरी तरीक पूरा जिहड़ा इतिहास दे विच नहीं मिलदा, सानू अलग अलग इतिहासकारां दे थोड़े जिहे अलग अलग मत है जिहड़े वो मिलते हैं, जो जो उन्होंने सानू जिहड़े सन दसे ने अशोक के जन्म बारे वो सानू कबूल करने पैंदे है। 294 ईस्वी पूर्व दे विच कई इतिहासकार कहिंदे है, कई इतिहासकार 304 ईस्वी पूर्व दे विच कहिंदे है, ते कई इतिहासकार 300 ईस्वी पूर्व दे विच कहिंदे है। इस तरीके दे नाल सानू उहदे जन्म तरीक दीआं तिथियां जिहड़ियां अलग अलग मिलदियां, 294 ईस्वी पूर्व, 304 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, ते पिता उहदा बिंदुसर सीगा, ते माता सुभद्रांगरी जां धम्मा, ये अलग अलग मातावां दे नाम भी सानू जिहड़े क्लीयर नहीं हुंदे इतिहास दे विच, पर जो सानू दो तीन नाम जिहड़े उहनां दी माता दे दित्ते होए आ उह सानू सामणे आउंदे आ। ते पिता जिहड़ा क्लीयर आ वी उहदा बिंदुसर सीगा, ते उहदे पिता दादे दा नाम जिहड़ा चंद्रगुप्त मौर्या सीगा, चंद्रगुप्त मौर्या दा पोता सीगा अशोक सम्राट महान। तां अगे राजकुमार दे रूप दे विच जदों इहदा जन्म होया, तां उस तों बाद इहनूं अजैन दा जिहड़ा गवर्नर है उह नियुक्त कीता सी बिंदुसर ने, पर उस तों बाद कहिंदे वी इहदे भाइयां ने इधर तक्षशिला दे विच इक विद्रोह हो गया सीगा, उहदे भाई उस स्थिति नूं संभाल ना सके, तां फिर उस तों बाद उहनूं तक्षशिला कन्नी राजकुमार दे रूप च स्थापित कीता, ते तक्षशिला तों वाधा वाधा हौली हौली मगध दे उत्ते उहने आपदा राज स्थापित कीता। तां उस तों अगे इहने कर्नाटका तक दक्षण तक भारत च इहनां दा साम्राज सीगा, मौर्या साम्राज दा विआह, इहदे अनेकां विआह सीगे अशोक सम्राट दे, अशोक राजे दे पहला राजे महाराजे बहुत शादियां कर लैंदे सी, पर जो सानू सामणे उहनां दे नाम पंज पत्नियां ते चार पुत्रां दे नाम सानू इतिहास दे विच सामणे आउंदे ने, पर कहिंदे वी विआह बहुत ज़्यादा सी, पर सानू इतिहास दे विच उहनां दे पंज पत्नियां ते चार उहदे जिहड़े साहिबजादे सीगे उहदे बच्चे सीगे उहनां बारे जिहड़ियां सानू इतिहास दे विच मिलदा। उत्तराधिकारी उत्तराधिकार दा युद्ध जदों इह उत्तराधिकारी बणिआ 273 तों बाद 269 दे विच, 4 साल बाद 273 दे विच उहदे पिता दी मौत हो गई सी, उस तों बाद 4 साल बाद 269 ईस्वी
69 ईस्वी पूर्व के उन्हें जरा राज तिलक लाया सीगा गद्दी ते बैठा सी 4 साल बाद ता वो 4 साल का की इहदा वखवा की सीगा। राज तिलक जदों होया ता उत्तराधिकारी का युद्ध कहिंदे वी इहदे 101 भरा सीगे, भरा बहुत ज़्यादा सीगे। इतिहासकार सानू इतिहास दे विच गल मिलदी है कहिंदे वी 99 भरावां दा कतल करके इह गद्दी ते बैठा सी। जे 100वां भरा सी उह इहदा सका भरा सी, उन्होंने छड्डता सीगा ते इह 101 भरा सीगे जिथे सानू इतिहास इहदा जिहड़ा अशोक सम्राट का मिलता है। राज तिलक ने जदों लाया 273 ईस्वी पिता की मौत तो बाद 269 ईस्वी पूर्व दे विच इहने राज तिलक स्थापित किया। राज तिलक लाया गद्दी ते बैठा 4 साल बाद। कई इतिहासकार कहिंदे वी इह 4 साल नूं आपदे पिता की मौत तो बाद इस तरीके नाल लगे वी इहदे भाई बहुत ज़्यादा सी, इहनूं लड़ाइयां झगड़े करने पै गए। तो कई इतिहासकार कहिंदे वी इहदी उम्र छोटी सी, 4 सालों तो बाद इहदी उम्र पूरी हो गई तां फिर इह जिहदे बादशाह सम्राट के रूप के गद्दी पर जिहड़ा बैठा सीगा। तां इतिहासकारां दे इहदे प्रति वी वख वख विचार आ जिहड़े सानूं मिलदे आ। अशोक ने 232 ईस्वी पूर्व तक आ जिहड़ा उह शासन कीता सी। तां इस तरीके दे नाल उहने इक कहिंदे वी पहला ही महान युद्ध ते आखिरी महान युद्ध जिहड़ा सीगा उहदा कलिंगा दा युद्ध उड़ीसा दे विच आ। कलिंगा इस टाइम तां उधरले एरिए दे विच इहने जिहड़ा उह युद्ध कीता सीगा ते उह युद्ध तो बाद इह युद्ध जित वी गया सी। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਾਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੰਗਾ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ 261 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 261 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਗਧ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਗਧ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਲਿੰਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਿੰਗਾ ਦਾ ਮਗਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਮਗਧ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੰਗਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲਿੰਗਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਲਿੰਗਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੰਗਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਲਿੰਗਾ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜੇਕਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਲਿੰਗਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਗਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਲਿੰਗਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੰਗਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੰਗਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੋਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਲਿੰਗਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਿੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀਗੀ
ते उत्थों दे राजे कोले ते उस एरिए दे विच हाथी बहुत वधिया मिलदे सीगे ते किसे भी उस तो पहला इतिहास देखा जाए तो कहते भी हाथियों का बहुत योगदान सी किसी भी लड़ाई दे विच जित लई ता जित लई हाथियों का बहुत वड्डा योगदान हुंदा सी ता हाथियों की प्राप्ति लई अशोक ने योजना बनाई भी जेकर कलिंगा ते सानू हमला किया जाए तो उतों सानू बहुत सारे जिहड़े हाथी ने वो प्राप्त हो सकते हैं तो हाथियों की प्राप्ति लई भी कितने ना कितने अशोक सम्राट ने कलिंगा ते हमला किया। नाग जाति दे दमन लई नाग जाति तो खूनखार जाति पूर्व दे विच कलिंगा एरिए दे विच बहुत खूनखार जाति सी तां उहदा खतरा जिहड़ा हर समय मंडराउंदा रहिंदा सी हरेक सामराज ते ते उह नागा जाति नूं भी खत्म करन लई कितने ना कितने अशोक सम्राट ने कलिंगा ते हमला करन दी योजना बनाई। तो घटनावां की वापरियां बहुत फनाह होया इस युद्ध दे विच जदों सेना 261 ईस्वी पूर्व दे विच हमला कीता कलिंगा ते अशोक सम्राट ने आपदी सेना दे नाल तां इक घमसान दा युद्ध होया ते अगला जिहड़ा कलिंगा दा शासक सी उहदे नां बारे सानू बहुती जानकारी है जिहड़ी उह नहीं मिलदी तां कहिंदे वी उत्थों दा जिहड़ा अगला सम्राट सी शासक सीगा उह वी बहुत महान सीगा ते बहुत भयानकर युद्ध उस समय होया ते आखर नूं इहदे विच अशोक सम्राट दी जिहड़ी जित होई सी उहदे विच कहिंदे इस युद्ध दे विच इन्ना खून खराबा होया धरती लाल होई 1,00,000 लोग मारे गए ते 1,50,000 लोगों नूं कैदी बना लिया अशोक सम्राट ने। 1,00,000 लोग लगभग मारे गए सी ते 1,50,000 दे लवे कैदी बना लिया सी ते बहुत ज़्यादा जिहड़े उहदे विच युद्ध दे विच जख्मी हो गए सी। तां इह सारा कुछ अशोक सम्राट ने जदों देखिया तां उहदे मन ते इक तरीके दे नाल इह जी घटना छाई कि जिहड़ा अज तों बाद जिहड़ा युद्धां दा दी उहनां ने समाप्ति कर दित्ती सी ते अगे तों उहनां ने युद्ध करने बंद कर दित्ते सी ते धर्म दा नां जिहड़ा अध्यात्मवाद दे वल उह जुड़ना शुरू हो गए सी इंसानियत वल जुड़ना शुरू हो गए सी। इन्हां इंसानां दा फनाह उह देख के उहदा दिल है जिहड़ा अशोक सम्राट दा उह कंब उठिया सी। तां इह सारा कुछ देखण लई तुसीं जिहड़ी अशोक सम्राट ते फिल्म बनी हुई है इक शाहरुख खान दी वो देखने की कोशिश करो सानू बहुत ज़्यादा इतिहास है जिहड़ा उहतों पता लगेगा। तो यह जरूर मेरी कोशिश है भी विद्यार्थियों भी वो फिल्म जरूर अशोक सम्राट ते जिहड़ी बनी हुई है मौर्य साम्राज ते शाहरुख खान दी जरूर देखने की जे टाइम लगे तो जरूर कोशिश करो। तो ये सिट्टे जिहड़े वो की निकले सीगा सब तो पहला सिट्टां दे रिजल्ट की निकले भेरी घोष की थां उत्ते धम्म घोष की नीति अपनाउणा भेरी घोष की थां उत्ते धम्म घोष की नीति अपनाउणा। भेरी घोष है युद्ध का ऐलान भेरी घोष का मतलब है युद्ध का ऐलान करना युद्ध के ऐलान की थां ते धर्म घोष की धर्म की नीति अपनाउणा। युद्ध दीआं गल्लां ही बंद करतीआं अशोक सम्राट ने लड़ाई तो बाद ते अध्यात्मकता दीआं गल्लां जिहड़ियां धर्म दीआं गल्लां वह शुरू करतीआं सी महाराजा अशोक ने हौली हौली लोगों नूं बुद्ध धर्म वल जोड़िया ते आपदा जिहड़ा धर्म है वह शुरू किया सी वधिया वधिया सिधांत सारे धर्मां दे उहने आपदे धर्म दे विच पाए सीगे। तां जिहड़ी युद्ध की नीति सदा लई जिहड़ी अशोक सम्राट ने त्यागती सी कलिंगा दे युद्ध तों बाद। पॉइंट नंबर 2 है अशोक दे व्यक्तिगत जीवन उत्ते बहुत ज़्यादा प्रभाव पै गया। पहला सम्राट राजा सीगा ते राजिआं दी तरह ही कम करदा सीगा चंगा ऐशो आराम दा जीवन बतीत करदा सी सुरां ते सुंदरी दे नाच देखदा सी दारू शराबा पींदा सी मीट खांदा सी। तां इस तरीके दे नाल अशोक सम्राट ने सारा कुछ कलिंगा दे युद्ध तों बाद त्याग दित्ता सी। एक अध्यात्मवादी इंसान एक आदर्शवादी इंसान है जिहड़ा वह साडे सामने उभर के सामने आया अशोक सम्राट लोगों के सामने। सब तो पहला उन्हें यह सारिया चीज़ा आपदी देही नाल अपनाइया धर्म दियाँ फिर ही उन्हें दूजे लोगों को सिक्ख्या दिती भी सानू जिहड़े लड़ाइया झगड़े नहीं करने चाहिए सच ते अहिंसा ते चलना चाहिए वड्डियां दा आदर सत्कार करना चाहिए छोटियां नाल प्यार करना चाहिए। अगे आपां उहदे धर्म दे विच सारिया गल्लां जिहड़ियां पढ़ांगे। बुद्ध धर्म का प्रचार उस तों बाद महात्मा बुद्ध ने जिहड़ा बुद्ध धर्म चलाया सी तां उहदा बहुत ज़्यादा प्रचार अशोक ने राजसी सरप्रस्ती देती बुद्ध धर्म नूं ते बुद्ध धर्म अशोक दे जतना सदका बाहरले देशों तक भी पहुँचया ते अज भी जिहड़ा बाहरले देशों तक उहदी धांक आ जिहड़ी बुद्ध धर्म की जम्मी हुई है। ते इह सारा अशोक सम्राट की महान देन सी भी बुद्ध धर्म का भारत दे विच प्रचार करन दे नाल नाल इहने बाहरले देशों तक भी प्रचार कीता सी।
धर्म की स्थापना बुद्ध धर्म के नाल नाल उन्होंने आपदे धर्म की एक नवे धर्म की स्थापना, जिवें अकबर ने एक बहुत ही वधिया राजा सी अकबर बादशाह तां उन्हें एक दीने लाही नाँ का धर्म चलाता सी लागी। उहदे विच सारे धर्मां दे लोग आ सकते सी, हिंदू भी आ सकते सी, मुसलमान ईसाई सारे लोग आ सकते सी। तां उहदे नाल जिहड़ा बीरबल वर्गे सी हिंदू लोग सीगे उन्होंने भी प्रवेश किया अकबर महान दे जिहड़ा धर्म चलाया सी उसने धर्म चलाया सी। तां इस तरीके दे नाल अशोक सम्राट ने भी धर्म चलाया, एक धर्म चलाया उन्हें भी नम वधिया वधिया जिन्ने पुराने धर्म सीगे उन्हां तों वधिया वधिया गल्लां उन्हां दे विचार आपदे धर्म दे विच अटैच कीते, चंगे चंगे विचारां लई लोकां नूं उजागर कीता भी इन्हां विचारां ते सानूं चलना चाहीदा, सादा जीवन बतीत करना चाहीदा, सच बोलना चाहीदा, पाप नहीं करना चाहीदा, किसे दा खून खराबा नहीं करना चाहीदा, सानूं लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहीदे। तां इस तरीके दे नाल उन्हें धर्म दे विच एक नवां धर्म होंद दे विच लै के आया ते उह आपदे जीवन ते भी इह गल्लां उसने अपनाईआं सीगीआं। प्रजा का कल्याण, प्रजा का कल्याण वाल फिर उसने ध्यान कर लिया सीगा, लोगों की भलाई वाल सड़कों का निर्माण करता सीगा, शानदार बूटे सड़कों के उपर लगाते सी, लोगों नूं छां देण लई सरावां का प्रबंध करता सी, पशुओं लई हस्पतालों का निर्माण करता सी। तां इस तरीके दे नाल लोगों नूं जिहड़ा कल्याण के काम है जिहड़े वो अशोक सम्राट ने करने शुरू करते सी, ते लोकां ने अज भी उन्हां नूं अशोक सम्राट नूं लोक पलकां ते बिठाउंदे आ, इस करके बिठाउंदे आ भी वह चंगा राजा सी। कोई भी राजा चंगा होवे उन्हूं ऐटोमैटिकली लोग आपदियां पलकां ते अखां ते जरूर बिठाउंदे ने, ते माड़े राजा नूं माड़े लोकां नूं लोक त्याग दिंदे ने, वह माड़ा तां कर जांदे ने पर उन्हां दी मौत तों बाद उन्हां नूं कोई नहीं सियाणदा। इस करके हमेशा इंसान नूं चंगे काम करने चाहिए है। तो कोई भी महाराजा रणजीत सिंह वांगू देख लो, अशोक नाल देख लो, अकबर बादशाह वांगू देख लो, तो चंगे राजे से अज भी दुनिया उन्होंने याद करती है, तो माड़े राजा जिन्हां ने लोगों नाल धक्का किया से अज भी कितना कित लोग उन्होंने नफरत करते हैं तो याद भी नहीं करते। इस करके इंसान नूं हमेशा चंगे काम ही करने चाहिए है, तो जिस करके उहदी होंद है जिहड़ी वह बरकरार रहिंदी है। आर्थिक खुशहाली लई मौर्या सामराज ने बहुत कुछ किया, आर्थिकता लई मौर्या सामराज आपदियां लीहां ते आउणा शुरू हो गया सी, पहलां लड़ाइयां झगड़े सीगे तां लड़ाइयां झगड़े बंद हो गए सीगे, किसान खुशहाल हो गए सी, लोग खुशहाल हो गए सी। तां इस तरीके दे नाल मौर्या सामराज नूं आर्थिक मजबूती है जिहड़ी उह मिलनी शुरू हो गई सी एकलिंगा दे युद्ध तों बाद। सैनिक अजोगता सब तों वड्डा इक जिहड़ा घाटा भी पिया मौर्या सामराज नूं, सैनिक अजोगता सीगी, जिहड़ी सेना कमजोर हो गई सी, सेना ते ध्यान देना घट करता सी क्योंकि लड़ाइयां झगड़े बंद ही कर दित्ते सी अशोक सम्राट ने। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ी सेना सैनिक सीगे उहदे लड़ाइयां झगड़े भुल चुके सी, नेजे तलवारां चक्कणियां भुल चुके सी, उहनां नूं चलाउणियां भुल चुके सी। तो इस तरीके दे नाल वह जड़े कमजोर सेना पै गई सी, ते एक कमजोर सेना ते बाद दे विच यूनानियां दे समय समय ते होरां दे भी हमले होंदे रहे, ते हौली हौली मौर्या सामराज पतन वल जाना शुरू हो गया सी। सामराज का विस्थार बहुत ज़्यादा अशोक सम्राट वेले मौर्या सामराज का विस्थार है जिहड़ा वह बहुत ज़्यादा हो गया सी। सब तो ज़्यादा उत्तर वल देखिए तो हिमालिया पर्बत तो लैके दक्षण च करनाटका तक, उत्तर च हिमालिया पर्बत तो लैके दक्षण च करनाटका तक, तो पूर्व च बंगाल तो लैके पछम च अरब सागर तक, पूर्व च बंगाल तो लैके पछम च अरब सागर तक फैलिया हुआ सी। इस तरीके दे नाल सामराज बहुत वड्डा सीगा मौर्या सामराज भारत दे विच। तो उस तो बाद सामराज स्थापित होए, गुप्त सामराजवाद होया, वर्धन सामराजवाद होया, तो उस तो बाद स्थापित होए, पर पहला यह सामराज मौर्या सामराज जिहड़ा इहदी मजबूती शुरुआत गुप्त इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्या ने की सी, पर हौली हौली इहदा विस्तार है सामराज नूं वधाउण दे विच सब तो वड्डा योगदान मौर्या सामराज दे विच अशोक सम्राट दा सी। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧੰਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਅਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀਗਾ,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।